टेंगू 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 भाई ओ टेंगू भाई सुनो ना कहाँ जा रहे हो कुमार कुमार अरे अरे कहाँ चले गए हो अरे सुनते हो सुनो कुमार माँ 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 वो ढाबा कहाँ है जहाँ तुम रुके थे अरे वो ढाबा यहीं पर था मैं अपनी माँ को यहीं पर बिठा के गया था माँ माँ बताया था एक मंगोलियन पैलेस नाम का डिस्टर्ब मत कर टेबल पर चूरन रखी है जैसे अंदर लेगा गैस बाहर निकल आएगी गैस वाली आवाज नहीं तो कान बज रहे होंगे सोने देना कैसी आवाज थी रहे थे। ए, तुम सब कौन हो रहे अरे माता जी हम सब इस घर के नौकर हैं। अच्छा तुम सब इस घर के नौकर हो? ए साहब ई का बदतमीजी है क्या बदतमीजी है ये पैर के नहीं चेक कर रहा था अरे तुमको क्या लगा लंगड़ी है दोनों पैर सही है उसके पैर इसका मतलब ये डायन नहीं है डायन घर में डायन बिल्कुल है कल उस होटल में डायन थी तू चुप कर ये बताओ कि अगर तुम लोग नौकर हो तो कल रात यहाँ दिखे क्यों नहीं काली साहब सुबह आने को कह रहे थे ये काली कौन है यहाँ का वॉचमैन है उससे भी ऊपर है उससे ऊपर मतलब वॉचमैन के सिर पे बैठता है क्या यार ये काली क्या आफत है भैया
इंसान की शक्ल में हैवान सुना था पर डायनासोर पहली बार देखा। मैं इस घर का हेड बावर्ची हूँ। क्या कहा, तुम बावर्ची हो? सही समझे। दिखने में तो स्मशान के आखोरी लगते हो। तो मैं वहीं पहुंचाने वाला हूँ। अच्छा ये बताओ, तड़का लगाते बाल जल गए या विंड डीजल के फैन हो या पैदाइशी टकले हो? बीवी ने टकला कर दिया। मतलब लूज कैरेक्टर के हो? हाँ। इस बंगले में कभी भूत देखा? बाप रे। ए, भूत का नाम सुनते क्यों चिल्ला रहे? भैया बड़े बड़े गुंडे भी तो भूत से घबराते हैं ना। इसका मतलब तू एक गुंडा है? ये लट्टू की तरह क्यों घूम रहा है? मैं आपको गुंडा लगता हूँ? बिल्कुल नहीं, तू तो मुझे अमेरिका से आया हुआ कोई बड़ा फिरंग डॉक्टर लग रहा है। अरे बड़े साहब आ गए, आप कॉफी पी लीजिए। कॉफी मांगी तो चम्मच पकड़ा दिया, किसी दिन दूध मांगूंगा तो भैंस पकड़ा के चला जाएगा। नमस्ते। अरे सामान निकालो साहब आ गए। नमस्ते। कितना प्यारा बंगलो है ना। वेलकम सेठ जी, रास्ता ठीक से कटा? क्यों रे, पूरा स्टेट में यही बंगलो मिला था, रास्ते में कोई नहीं मिला जिसे इस बंगलो का पता हो। एग्जैक्टली, इसीलिए सिलेक्ट किया, ये जगह परफेक्ट है। सुनो सारा बक्सा ऊपर के कमरे में। बस पानी गीजर सब चेक कर लो, रूम का फैन लाइट सब चला के देख लो। अबे डायनासोर की पायरेटेड कॉपी, ये गब्बर सिंह के रिश्तेदार कहाँ से लेकर आया? शक्ल से तो सब छठे हुए बदमाश और खूनी लगते हैं। डरा रहा। ये सब टेंट वाले लोग हैं, आप तैयार हो जाइए, आपके लिए नाश्ता लगा दे। वैसे हम खुशकिस्मत है कि तू हमारा बावर्ची है। ऐसा क्यों? खाने में बाल गिरने का डर नहीं होगा। अबे क्या हुआ, गुर्दों में खुजली हो रही है क्या? हंस रहा था। खुजली नहीं कर रहा था? नहीं भैया। ठीक है चल जा, नाश्ता बना। अभी बनाता हूँ। परस तो यही रखा था, क्यों नहीं मिल रहा है? ये यहाँ कैसे आ गया? मुरुगन स्वामी, तो सब लोग आ गए ना? हाँ सब लोग यही है, स्टार्ट मंत्रा। अच्छा तो पूजा का नाम है माता की चौकी, ये माँ दुर्गा की आराधना के लिए। रस्मों के हिसाब से 3 दिन फंक्शन होंगे, उसके बाद मैरिज। ये 3 फंक्शन है, मेहंदी, संगीत और हल्दी, फिर धूमधाम से शादी। तुम्हारे यहाँ डायरेक्ट शादी होती है ना? तुम्हारे यहाँ लो कर लो बात, शादी से पहले हम लोग लिप्तन रखते हैं, फुलतू दांत करते हैं। एक दिन तक डीजे वाले को बुला के बोलते हैं, डीजे वाले बाबू मेला गाना बजाते, फिर मिठाई का पैकेट हवा में उठाते हैं और फिर डांस करके लपक लपक के खाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी होती है शादी, है ना कुमाल? पापा जी संभालना, पैकेट मंगाऊ? मूर्ख, जो मैं कहना चाहता था वो मेरे दामाद ने पहले ही कह दिया। थैंक यू पापा जी। शादी की सारी अरेंजमेंट इसी ने की है, वो मेरे लिए भी सरप्राइज है। वैसे इनकी शक्ल ऐसी लगती है जैसे किसी ने पोछा निचोड़ दिया हो, लेकिन ये काम बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। समझी जी, आप 5 स्टार शादी करते हैं और हम लोग सिंगल स्टार, हम दुल्हन को साड़ी और गहने ही देते हैं सिर्फ। सावित्री शगुन दो ना। बेटी ये लो, मेरी सास ने मुझे दिया था, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। देखो काली, तुम्हारे कहने पे मैं उसे यहाँ ले आया। हाँ। 3 दिन में उसे मार पाओगे? सेठ जी टेंशन मत लीजिए, आज और अभी से सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। कुमार की डेड बॉडी देख के कैसे रोना है उसकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। हाँ। क्या बात, आप तो पैदाइशी रोद्रु हैं। वो देख क्या कर रहे हैं? यस सेठ जी, इस तरफ आइए जल्दी। सेठ जी आपकी बेटी तो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट है। दामाद को बुलेट मार के लेटाने से पहले आपकी बेटी का पेट फुलेट हो जाएगा। यू ब्लडी बेवकूफ, बेकार खाना बनाया है, मटर पनीर बनाया है जिसमें ना मटर है ना पनीर है। इतना घटिया खाना मेरा ससुर भी नहीं चटेगा। टकले पे तबला बजाऊं क्या? आपकी कोई इज्जत है कि नहीं पापा जी? यू सुपर ब्लडी बेवकूफ, जरा उधर देख। आगे देखिए होता है क्या। अगर तू 3 दिन बाद मरने वाले हो तो 3 दिन पहले नाक में रुई ठूसेगा। जा उसको लेके आ। गो। हाँ ठीक है पापा जी। ए, 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 काजल। अरे जीजू आ गए। काजल सु करे छे। कबाब में हड्डी कहीं गए? पापा जी बेवकूफ। सॉरी पापा, मूर्ख प्राणी। सॉरी सॉरी पापा जी। छह बज गए। हो टाइम हो गया भागने का। चुप रह, भाग डिके 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 गांडा।
लेट तक सोते रहते हैं, बाद में बोलते हैं पेट बाहर निकल गया है। ये भौंकूंगा तो कुत्ते मेरे पीछे भागेंगे। ससुरे बुड्ढे लोग रजाई में दुबक के सोते रहेंगे, पर जवान दबंग खून जरूर बाहर निकलेंगे। जब हमारा शिकार कसरत करने बाहर आएगा तो उसे किल कर देंगे। ओके बॉस। अबे धीरे बोलो। ओके बॉस। ए? मर गए। यानी मेरा शक सही निकला। हा? तुम एक खाना बनाने वाले हो फिर भी इतने फिट कैसे हो सकते हो? लेकिन मुझे अच्छा लगा। हा? तुम सब मिलके टीम में एक्सरसाइज कर रहे हो ना? जी सर। करो करो करो। लेकिन रस्सी काय को? वो स्किपिंग। बड़ी रस्सी से कूदोगे तो गिर जाओगे, भेजा धड़ाम से फट जाएगा। वेरी डेंजरस। इसके पीछे ये पूछ कब से आ गई? इस पर बैठ गया था, हटाना भूल गया। टीम बनाकर एक्सरसाइज कर रहे हो ना? करो करो, बहुत बढ़िया। मैं भाग दौड़ के आता हूँ, दूध वाला बादाम तैयार रखना। मैं भागा, ए भागा 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 भागा। ये मेंटल रात को क्यों दौड़ता है? तो उसके लिए मुझे क्यों मारा? चाकू कोई ऐसे रखता है, वो देख लेता तो। हाँ चलो काम पे लग जाओ। चलो तुम सोओगे नहीं और कुंभकर्ण उठने वाला नहीं है। दीदी बहू का फोन है, उसे फोन पकड़ा दो। एला बात कर लो। हेलो, कहाँ हो तुम? महेशमती साम्राज्य में। टेरेस पर आ जाओ। अरे शादी तक तो रुक जाए यार। तुम एकदम चुप रहो, जो मैं कह रही हूँ बस वही सुनो। मैंने अपना फेवरेट प्रिंटेड टॉप पहना है, साथ में तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम भी लगाया है। बिना आवाज किए चुपचाप ऊपर आ जाओ। जो तुम मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। ये क्या रिस्पॉन्स हुआ? मैं इतने रोमांटिक मूड में हूँ और तुम हो कि बस मैं जवाब देते जा रहे हो। आई लव यू माई डार्लिंग माई शोना, तुम्हें लिप किस दूंगी, बस तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ। बहु मुझे फोन पकड़ा कि वो फिर से सो गया है। सॉरी अंकल। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेटा अगर कोई खास चीज देनी है तो उठाऊं उसे अभी? नहीं नहीं अंकल, जो देना है मैं खुद ही दे दूंगी। ठीक है बेटा, जब वो रात को सुसु करने उठेगा तब मैं बोल दूंगा। ए भागो भागो, ए वो लेट द डॉग आउट मी, ए डॉग आउट हो गया, ए मेरे पीछे भाग रहा है, ए बचाओ, ए आई डोंट लाइक डॉगीज, ए भागो। जीजू